हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं एक ईयरफोन का, जो क्रॉस लूप्स ऑन बोर्ड का प्रोडक्ट है। ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस, इसकी ऑडियो क्वालिटी, इसके फीचर्स और क्या ये दिए गए प्राइस में वर्थ बाइंग है, इसके हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और रिव्यू करेंगे हम। इसके MRP पे इसकी प्राइस जो कंपनी ने बताया है वो 2000 रुपये लिखी हुई है, बट ये हमें डील में अमेज़न में, जो जिसका डिस्क्रिप्शन और लिंक मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा, जहां आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि कहां मिल रहा है और क्या प्राइस रेंज पर है, हमें ये 600 रुपये में मिली है। दोस्तों, हमने मंगवाया है ये क्रॉस लूप प्रो सीरीज ब्रेडेड टैंगल फ्री डिजाइनर ईयरफोन, और ये कैसा है इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और इसके रिव्यू करने जा रहे हैं, कैसे इसके वॉइस क्वालिटी है और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें और क्या ये एक वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन और ख़रीदने का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इस तरह की पैकिंग में आई है, हमने अमेज़न से मंगवाया है। ये स्लिप है, इनवॉइस स्लिप है, इसे हम रखते हैं साइड। ये छोटा सा डब्बा है क्रॉस लूप प्रो सीरीज ब्रेडेड टैंगल फ्री डिजाइनर ईयरफोन विथ मेटालिक ड्राइवर फॉर एक्स्ट्रा बास इन लाइन माइक एंड मल्टी फंक्शनल रिमोट वॉइस कमांड सपोर्ट। ये काफ़ी अच्छा, खूबसूरत सा, प्रीमियम सा दिखने वाला हमारे पास कवर है। बॉक्स इसका काफ़ी प्रीमियम है, इसमें यहाँ मैग्नेट दिया हुआ है। इसके अंदर हमारा ये एक ईयरफोन है, ये ब्रेडेड ईयरफोन है, मतलब इसके जो वायर हैं उसके ऊपर कपड़ों की रैपिंग की गई है, जो इसे एक्स्ट्रा इन्हांस लुक देता है और इसकी खूबसूरती भी बढ़ाता है। और काफ़ी हद तक कंपनी का ऐसा दावा है कि इससे ये ड्यूरेबल भी ज़्यादा रहेंगे। ब्रेडेड कवर, रिफाइंड केबल, कंपनी ऐसा कहती है अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ में जो पैक में दिया गया है, ये दो ईयर कवर दिए गए हैं, ईयर ग्रिप के लिए दो एक्स्ट्रा दिए गए हैं और एक लगा हुआ आता है कान के। इनके साइज़ अलग अलग हैं, ये 3 पेयर हो जाती है, एक लगी हुई आती है और इसके अलावा दो एक्स्ट्रा दिया गया है, इनके साइज़ अलग अलग है, तो जैसे कान है जैसे साइज के उसके हिसाब से इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। इस तरह से ये 90 डिग्री पे या किसी एंगल पे मुड़ा हुआ नहीं है, इसका 3.5 mm का जो जैक है, अगर एंगल पे मुड़ा होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। और इस पे ये इस प्रकार से ब्रेडेड वायर है, ये यहाँ सिंगल कलर है और यहाँ से फिर दूसरे कलर में ये ब्रेडेड किया गया है।
और यहाँ पे सिंगल कलर है। यहाँ जॉइंट पर थोड़ा सा उतना रिफाइंड नहीं दिख रहा मुझे जैसा पिक्चर में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के पिक्चर में दिखाई दी थी, बट ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मैंने ब्लैक और ग्रे कलर का ऑर्डर किया है। इसके अलावा भी 3-4 कलर ऑप्शन और उपलब्ध हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। बहरहाल 600 रुपये के रेंज में ये मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा है। हम इसकी ऑडियो क्वालिटी भी देखेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा और बेहतर तरीके से ब्रेडेड हो सकता था। दोनों हेडफोन के लिए अलग अलग है। यहाँ पर ये रिमोट कंट्रोल कमांड है। क्रॉस लूप की ब्रांडिंग आती है यहाँ पे। और ये मल्टी फंक्शनल रिमोट कमांड्स हैं यहाँ पे, जिससे आप बहुत सारे फंक्शंस एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिवेट वॉइस कमांड कर दे सकते हैं आप इससे, प्ले ट्रैक और पाउज ट्रैक का ये फंक्शन काम करता है, प्रीवियस ट्रैक और नेक्स्ट ट्रैक पर आप जा सकते हैं, वॉल्यूम अप और डाउन करने का यहाँ कंट्रोल है, पैसिव वॉइस नॉइज कैंसलेशन है, हैंग अप कॉल और रिसीव कॉल्स के लिए आप इस बटन का यूज कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप 3D डायनेमिक्स में ये है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा बास ये देता है। ये जैसा कि हमने बताया था कि दो हमें एक्स्ट्रा कवर भी मिल रहे हैं ईयर ग्रिप के लिए, और एक ये प्रोडक्ट में लगा हुआ आ रहा है। ये कंपनी कह रही है कि ये मेटल है, हालांकि ये मैग्नेटिक नहीं है, और एक हाँ मेटल है, यस उसकी आवाज़ आपने सुनी होगी, बट ये मैग्नेटिक नहीं है, और एक वायर्ड ईयरफोन में मैग्नेटिक की आवश्यकता भी नहीं है, मैग्नेटिक ग्रिप की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर मुझे एक बार फिर थोड़ा सा ये जो ब्रेडेड ग्रिप है, ये ब्लैक वाला तो काफ़ी अच्छे से अंदर तक गया हुआ है, राइट वाले में, और ये लेफ्ट वाला जो हमारा है इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ फिनिशिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। इसके बारे में कंपनी का दावा है कि ये बास मेटल है और 10 mm फाइबर डायफ्राम में है ये, और जो ट्रिपल फ्रीक्वेंसी आउटपुट देता है। तो ये है हमारा 599 रुपीज़ में वो ईयरफोन, खूबसूरत सा ब्लैक और ग्रे कलर का क्रॉस लूप का, जो हमने मंगवाया है। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसकी रिव्यू कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर अन्यथा आप इसमें कुछ चाहते हैं सुधार तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे ही और वीडियो भी अपलोड करें। बहरहाल अभी हम इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक की है, क्रॉस लूप प्रो सीरीज ब्रेडेड डिज़ाइनर ईयरफोन ट्रैंगल फ्री जो हमने मंगवाया है उसका, और जो फ़िलहाल हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उसी हेडफोन के माइक से कर रहे हैं। और हमने इसको गेम में भी यूज करके देखा, हमने म्यूज़िक भी प्ले करके देखा, हमने यूट्यूब पर भी इसे बजा के देखा, और जो इसके रिमोट फंक्शनल जो बटन है उसको भी हमने इस्तेमाल किया, और ट्रैक चेंज करने के लिए प्रीवियस और प्ले नेक्स्ट ट्रैक को चेंज करने के लिए, और पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है, और कॉल्स को लेने रिसीव करने के लिए भी इसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। और बस वो जो ब्रेडेड जहाँ ब्रेडेड वाली बात है, ये किसी किसी जगह थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। बहरहाल ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है इस प्राइस रेंज में। इससे पहले जो हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो MI के साइट से हमने जो हेडफोन लिया था, ये जो हमारे सामने है, ये वाले हेडफोन से हम रिकॉर्ड कर रहे थे, और इसकी कीमत हमें 1199 रुपये पे MI के साइट से हमने ख़रीदा था। और दोनों में जो ऑडियो क्वालिटी है आपके हिसाब से बेहतर कौन है? इसमें भी रिमोट वॉइस कंट्रोल के बटन सारे दिए हुए थे, और ये भी काफ़ी अच्छा हमारा हेडफोन था। तो आपके हिसाब से बेहतर कौन है वो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं।